हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो टू स्ट्रोक या फोर स्ट्रोक गाड़ी की हेडलाइट और गाड़ी का हॉर्न कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों, बहुत से लोग गाड़ी चलाते समय बहुत दिनों के बाद जो गाड़ी का जो हेडलाइट है, जो टू स्ट्रोक हो या फोर स्ट्रोक, उनकी हेडलाइट ख़राब हो जाती है। जो बल्ब होता है अंदर का, वो उड़ जाता है, मतलब उसका जो अंदर की जो लाइट बंद चालू होती है, तो उसको चेंज कैसे करना है, ये आगे की कांच कैसी बदलनी है, तो उसके बारे में। जो सिल्वम होता है हेडलाइट का, उसका जो वर्क है बहुत ही आसान है, पर उसको खोलने से पहले और वीडियो पूरी तरह देखो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ही आपको ये चीज़ें मालूम चले। वीडियो को शुरू करने से मैं अनिल बागुल वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप फोर स्ट्रोक गाड़ी के जो आगे का है, ये सब नट एक एक करके खोल लेना है, जिसके लिए फोर पॉइंट का स्क्रू ड्राइवर आपको होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहले देख लेना है ये स्क्रू कहाँ कहाँ से खोलना है। तो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको धीरे धीरे, ये फाइबर का है और उसके जो स्क्रू है उसको फोर पॉइंट स्क्रू ड्राइवर से खोल लेना है, क्योंकि ये खोलने के बाद ही आपको हेडलाइट और हॉर्न इसके अंदर है वो रिपेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, ये फोर स्ट्रोक गाड़ी है, तो ये खोलने के बाद आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल हॉर्न सेटिंग करना है, क्योंकि हॉर्न सेटिंग करने के लिए आपको उसकी जो वायर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा, हॉर्न को जो आर्थिक वायर है वो ढीली हो सकती है, उसके लिए एक बार चेक करके उसको अच्छी तरह से फिट करना है, क्योंकि वायर ढीली होने से या लूज होने के कारण भी हॉर्न बजता नहीं है। और तीसरा है उसका अर्थिंग, जो अर्थिंग वायर रहती है वो भी ढीली हो जाने के बाद हॉर्न बजता नहीं, स्पीड ब्रेकर खड्डे में या हिलने के बाद हॉर्न बजता नहीं। तो फिलहाल अभी हॉर्न का काम हो चुका है, उसकी जो वायर थी थोड़ी लूज उसको अच्छे से फिट कर दिए। और दूसरा है गाड़ी की हेडलाइट, वो फिलहाल पूरा खुल चुका है। तो ये देखो, इसका जो लॉक खुलने कैसे दोस्तों, देख लेना, बहुत ही आसान है। वो स्प्रिंग जैसा ही रहता है, उसको इस तरह, और उसके बाद उसको हल्के हाथ से इसको दबा के अंदर पुश करना है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों हेडलाइट का जो बल्ब बिठाना। दूसरा है दोस्तों, ये काम होने के बाद जल्दी से जल्दी आपको फिटिंग कर लेना है, और उसको खोलने के लिए भी आपको हल्के हाथ से उसका सॉकेट जो है उसको अच्छी तरह से बिठा लेना है। बिठाने के बाद आप देख सकते हैं, उसके जो ऊपर के स्क्रू है उसको खाँचे में इस तरह बिठा के हल्के हाथ से दबा के उसको राइट साइड से घुमा लेने का, जो इसे स्क्रू में वो अटक जाए और हेडलाइट गिर ना जाए। ये तीन जगह स्क्रू है, उसको अच्छी तरह देख लो दोस्तों, और उसके बाद उसको चेक कर लेना है। ये हो गया फोर स्ट्रोक का। अब फिलहाल दोस्तों, फोर स्ट्रोक गाड़ी होने के बाद अभी आते हैं टू स्ट्रोक गाड़ी की हेडलाइट जो आगे वाली, वो भी आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद इसको पूरी तरह अच्छी तरह से फिटिंग कर लेना है, उसके सारे नट। तो फिलहाल अभी ये टू स्ट्रोक गाड़ी की हेडलाइट है, आप देख सकते हैं, इसका जो बल्ब है और वायरिंग आप देख सकते हैं, ये सॉकेट है, उसको तीन शॉक जो अपर और डिपर अच्छी तरह से उसको सॉकेट बिठाने का, उसका आगे के कांच है वो किस तरह बिठाने की है, क्योंकि वो ख़राब हो गई है। और एक रबर रहता है, वो रबर उसको इसलिए बिठाना है क्योंकि उसके अंदर पानी ना जाए, इसलिए वो रबर उसको अच्छी तरह से बिठा लेना है दोस्तों। जिसका पारा रहता है जो म्यूक्यूरिक, उसको जो ग्लास के ऊपर बिठा के फिर उसके बाद आपको रबर बिठाना है, जिसके कारण अंदर पानी ना जाए, क्योंकि कभी कभी आपकी गलत रबर बिठाने के तरीके से वो पारा जो मिकुरिक रहता है जिसका सिल्वम, वो अच्छी तरह से बैठ नहीं पाता है, और अंदर पानी चले जाने के बाद अंदर एक रोशनी दिखता नहीं है और आपको लाइट अच्छी तरह से आती नहीं और प्रॉब्लम होता है। तो आप देख सकते हैं, फिलहाल ये गलती हो गई, फिर से आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पारा और जो है ग्लास है उसको दोनों एक साथ बिठाने के बाद ही ऊपर से रबर फिटिंग करनी है, क्योंकि वो अच्छी तरह से फिट होता है और अंदर पानी नहीं जाता है। ये काम फटाफट कर लेना है दोस्तों, क्योंकि हेडलाइट जो आगे की वो लाइट रात में आपको बहुत दिक्कत देती है, और ज़्यादा जो काम है उसका बहुत आसान है, खाली आप देख सकते हैं उसको फिटिंग किस तरह करनी है। ये फिटिंग होने के बाद आपकी गाड़ी का जो हेडलाइट चालू हो जाएगा, बाकी वायर का कुछ काम नहीं है, वायरिंग तो अच्छी से है, खाली हेडलाइट का जो आगे का ग्लास और बल्ब बिठाना था। तो दोस्तों, ये काम स्टेप बाय स्टेप ज़रूर करना है, क्योंकि बिठाने के टाइम पे आपको कोई गलती कर देता है, बहुत से लोगों को पता नहीं चलता ये काम कैसे करना है। तो फिलहाल अभी वीडियो तो पूरा होने पर आया है अभी दोस्तों, और मेरी वीडियो पूरा ख़त्म होने के, आपको मेरी जो चीज़ आपको समझाने की आप समझ पाए होंगे, काम कितना आसान होता है, आपको किधर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, काम छोटे मोटे खुद भी कर सकते हैं। और वीडियो आपके इसके लिए दिखाने है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी की लाइट ख़राब हो या हॉर्न, तो इस तरह आप ठीक कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने फटाफट दोनों वीडियो, एक स्ट्रोक गाड़ी का जो आगे का हेडलाइट है उस इसको फिट करने के लिए आपको देख सकते हैं, जो रबर और सॉकेट उसको अच्छे से बिठाना है, जो स्क्रू वाली बाजू उसको नीचे रखना है, और सॉकेट के जो तीन पिन का जो सॉकेट उसको ऊपर की बाजू रखना है, इसके स्क्रू लगाने में आपको फिर से खुलना ना पड़े। तो दोस्तों फिलहाल देख सकते हैं, उसको रबर और सिल्वम को अच्छे तरह से स्क्रू ड्राइवर से उसको दबा देना है, जिससे अंदर का हेडलाइट का जो कांच और सिल्वम जो पारा है वो हिलना ना पाए और उसके अंदर पानी ना जाए। दूसरा है दोस्तों, सॉकेट लगाना बहुत ही आसान है, जो तीन पिन का सॉकेट है, एक अर्थिंग रहती है, एक मेन रहती है और अपर डिपर, ये चीज़ें तीन आपको ध्यान में रखना है और उसकी तरह उसको फिट करना है। तो देखो फिलहाल अभी आपको दिखा रहे ये सॉकेट बिठाना कितना आसान है, ये सॉकेट बैठ चुका है दोस्तों अभी, और फिलहाल आप उसको अंदर वायर ढकल देने के बाद अच्छे से उसको ऊपर से फिट करना है, और उसके बाद ऊपर से पीवीसी टेप लगा देना है जिससे अंदर पानी ना जाए, और एक अच्छे से स्क्रू फिट कर देना है, जो छोटा स्क्रू होता है वो आपको याद आऊँगा या ध्यान में रखना है वो, क्योंकि खो ना जाए। तो फिलहाल अभी इसका फिटिंग हो चुका है दोस्तों, अभी लाइट लगा के दिखाएंगे और मेरा वीडियो पूरा हो जाएगा, और आपको अगले वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों, मैं अनिल बागोल ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपको ऐसे छोटे मोटे वीडियो मिलते रहेंगे जिसके आपके लिए अच्छे समझ में आए। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो दोस्तों पहले आपको गूगल या यूट्यूब पे जाके मेरा ऑटो रिक्शा ज्ञान का चैनल सर्च करना है, या फिर अनिल बागोल बजाज, ये दोनों में से कोई भी आप नाम डाल सकते हैं, उसमें मेरे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, और मुझे लाइक करना और फॉलो करना है।